नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बालाघाट जिले सहित पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। पुलिस बल का ज्यादा ध्यान लॉकडाउन पालन कराने में लगा हुआ है, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने वारासिवनी के एक सरकारी स्कूल के कंप्यूटरों पर हाथ साफ कर दिया। वारासिवनी स्थित कमला नेहरू गर्ल्स स्कूल के शिक्षक ने बताया कि उन्हें चौकीदार द्वारा सूचना दी गई कि स्कूल के गेट और कंप्यूटर रूम का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने वहां रखे कंप्यूटर चुरा लिए हैं, जिनकी जानकारी पुलिस को भी दी गई। एएसपी प्रतिपाल सिंह ने इस संबंध में बताया कि स्कूल प्रबंधन की सूचना पर मौका स्थल देखा गया। अज्ञात चोरों ने 10 नग मॉनिटर और 6 नग सीपीयू चोरी कर लिए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ये किसी आदतन चोर का काम न होकर ऐसे व्यक्ति की करतूत है जिसे उक्त कमरे में कंप्यूटर सटे रखने की होने की जानकारी थी, जिसका खुलासा जल्द ही किया जाएगा। सर, कमला नेहरू वारासुनी थाना चित्त की कमला नेहरू स्कूल में चोरी का मामला सामने आया। आप रुक जाओ, हम आपसे बात करें। इसमें परसों रात की घटना है। आप रुको, इसमें रात में जो ताला है, ताला और गेट तोड़कर आरोपी अंदर गए हैं और वहां से करीब 10 मॉनिटर और 6 सीपीयू को ले गए हैं। सर, लॉकडाउन के बावजूद ऐसी चोरी की घटना, क्या कर रही है पुलिस, क्या रणनीति है पुलिस? पुलिस अपना प्रयास कर रही है। अब रात का समय था और इन्होंने चौकीदार भी रखा हुआ था, वो भी कंटिन्यू आ नहीं रहा था, तो संभवतः हो सकता है ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ हो। हम उसका जल्दी खुलासा कर लेंगे। सर, आपने निरीक्षण किया, कुछ नई बात सामने आई? घटनास्थल पर यही चीज़ समझ में आई कि हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानकार है, मतलब ये किसी ऐसे व्यक्ति का काम नहीं है जो लगातार चोरियाँ करता है, ये किसी नए व्यक्ति का काम है, ये समझ में आ रहा है। सर, ये चौकीदार द्वारा अवगत कराया गया है। कब? ये 24 तारीख को 6 बजे शाम को कि कंप्यूटर का दरवाज़ा जो है टूटा हुआ है। तब हम लोगों ने जो है स्टाफ सहित स्कूल में आकर देखा तो वास्तव में दरवाज़ा टूटा हुआ था और कंप्यूटर चोरी चले गए। कितने कंप्यूटर हैं? कंप्यूटर बक्से रखे हुए थे उसमें, तो जिसमें जो है 10 सेट में से कंप्लीट जो थे उसमें से 4 सीपीयू बचे हुए हैं, बाकी सब चोरी थे। मतलब 10 मॉनिटर और 6 सीपीयू के आसपास चोरी गया। हाँ। अच्छा, इसकी शिकायत पुलिस में करवा थाने में करवा दी।